पिछले कुछ दिनों से जिला ऊना के विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी कर पुलिस की नाक में दम करने वाले आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की पहचान ऊना जिला के ही गांव फतेहपुर के रहने वाले दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 3 बाइक्स भी बरामद कर ली हैं। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आरोपी युवक ने कहां कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और क्या ये अकेला ही चोरी करता था या उसका कोई और भी साथी इन वारदातों में शामिल है। ये युवक जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, इससे अभी पूछताछ जारी है और आज इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट के सामने पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी में इससे पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितनी चोरियों में शामिल रहा है। सर, अब जिस मामले में पकड़ा गया वो क्या मामला? ये हमारी 3 बाइक यहाँ से चोरी हुए थे ऊना, एक तो RH हॉस्पिटल से और दूसरा बस स्टैंड से, उन्हीं चोरियों में सम्मिलित था। और चोरियाँ भी हमें शक है कि और चोरियों में भी इसकी सम्मिलितता पाई जा रही है, वो पूछताछ के बाद ही इस बारे में ज्ञान हासिल होगा। ठीक है सर, पुलिस ये भी पूछताछ करेगी क्या इसका और भी कोई साथी इस मामले में? हाँ, ये पुलिस ये भी पूछताछ करेगी। ये हो सकता है कि इतनी जो भी चोरियाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में बड़ी हैं, इसमें एक गिरोह होने की संभावना है, तो इसके और भी साथी उसमें संलिप्त हो सकते हैं, तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। हिमाचल दस्तक, डेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।